हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। वन प्लस ने रिलीज करा था अपना फर्स्ट बीटा जो एंड्रॉयड 11 बेस्ड था वन प्लस 6 और वन प्लस 6T के लिए, जिसमें कि आप नए फीचर्स को टेस्ट कर सकते थे स्टेबल रिलीज के पहले। फिर इनका सेकंड बीटा अपडेट आया जो कि एंड ऑफ जुलाई में सबको मिलना शुरू हो गया था, जिसमें ऑप्टिमाइज करा गया था ओवरहीटिंग कंट्रोल मैनेजमेंट को। 5G और वाईफाई कनेक्टिविटी इसमें इन्हेंस करी गई थी। अब इन दोनों फोन को यानी वन प्लस 6, वन प्लस 6T को तीसरा बीटा अपडेट मिल रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो थर्ड बीटा अपडेट है ऑक्सीजन OS 11 होगा, इसमें जो पुरानी इश्यूज थे और जो बग्स थे वो फिक्स करे गए हैं। इस अपडेट में आप देखेंगे कि YouTube वीडियोस में एक स्मूथनेस देखने को मिलेगी। जो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस फीचर था उसके बग को इम्प्रूव कर दिया गया है। बैकग्राउंड प्रोसेस मैनेजमेंट को इसमें ऑप्टिमाइज करा गया है, तो नेचुरल सी बात है बैटरी लाइफ आपकी इंप्रूव होगी। अब ये फोटो में आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, जिससे पता चल रहा है कि अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्मार्टफोन के एंड्रॉयड OT अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, ये जो है अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है वन प्लस 6 और वन प्लस 6T दोनों यूजर्स को। ठीक है, अगर आप सेकंड बीटा पे यूज कर रहे हैं तब तो इसका OT अपडेट आपको शॉर्टली मिल रहा होगा। अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसको अपडेट करने से पहले जरा सुन लीजिए। अगर फुल वर्जन पे हैं तो फुल OTA करिए, अगर आप ओपन बीटा 2 पे हैं तब आपको इंक्रीमेंटल अपडेट करना है। ठीक है, और इसमें आपको जो स्क्रीन पे स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं उस तरीके से डाउनलोड करके आपको इसको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।